आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, जिसकी बेसिक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जो कि आपने देख ली होगी, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमने निकाले 5 ईयर से। टॉपिक है आपका कंपनी शेयर्स इन डिबेंचर या इशू ऑफ शेयर्स, और क्वेश्चन है आपका 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, 18 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसकी ट्रांजेक्शन हमारे सामने लिखी है और ये 5 ईयर से आप देख लेंगे, इसकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी मैं आपके सामने रीड भी कर रहा हूँ और इधर सॉल्व किया हमने, उसको समझते हैं। फर्स्ट है ऑफर 50,000 शेयर्स एट पार, 40,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, शेयर्स इशू अगेंस्ट एप्लीकेशन एंड अनसब्सक्राइब शेयर्स इशू टू अंडरराइटर विद 5% अंडरराइटिंग कमीशन। कंपनी ने 40,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, सॉरी 50,000 शेयर्स इश्यू किए हैं 10 ईच टू द पब्लिक, बट 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है बाय बैंक। यानी कंपनी ने 50,000 शेयर्स इश्यू किए हैं या ऑफर किए हैं, मगर जो एप्लीकेशंस बैंक में आई हैं वो हैं 40,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री किससे पास होगी? जो एप्लीकेशन बैंक में रिसीव हुई है उससे हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। तो एप्लीकेशन आई है 40,000, ऑफर की थी 50 और रिसीव हुई एप्लीकेशन 40, तो 40,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 लाख रुपीस। ठीक है, 4 लाख से बैंक डेबिट हो गया, इसलिए एप्लीकेशंस बैंक में आएंगे तो बैंक डेबिट हो गया, और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट हो गई। अभी जस्ट एप्लीकेशन रिसीव हुई है, अभी शेयर अलॉट नहीं हुए। ठीक है, तो अलॉटमेंट नहीं हुई तो हम शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट नहीं करेंगे, जस्ट आप क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट 40,000 मल्टीप्लाई 10 4 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, तो ऑफर तो 50 की थी मगर एप्लीकेशन 40 आई है, तो 40 को ही शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे, तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट। कितने शेयर इशू किए? 40,000 शेयर्स 10 ईच, ये 4 लाख रुपीज के शेयर इशू हो गए पब्लिक को। तो आपने 50 ऑफर किए थे, 40 आ गए, 40 आपने अलॉट कर दिए पब्लिक को। ठीक है, 10,000 शेयर्स कम आए, तो 10,000 शेयर्स कौन लेगा? अंडरराइटर ले लेगा। अंडरराइटर कौन होता है? बैंक होता है, बैंक अंडरराइटिंग करेगा और बैंक जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो बैंक बोलेगा कि मैं आपको वो मार्केट में उसको सेल करूंगा और उसके अगेंस्ट में आपसे कमीशन रिसीव करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो अंडरराइटर है उसने 5% कमीशन लिया है, तो रिमेनिंग शेयर्स हमारे पास थे 10,000। ठीक है, 10,000 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 लाख रुपए से शेयर हो गए, इस पे 5% आपने कैलकुलेट किया, तो 5% आया आपका 5,000, ये कमीशन हो गया अंडरराइटर यानी बैंक का। 1 लाख से 5,000 माइनस कर दिया आपने, तो बैंक में अमाउंट आई 95,000। ठीक है, तो ये एक केस था, एक केस पूरा हो गया, पूरा एक केस था। केस क्या था कि कंपनी ने 50,000 शेयर ऑफर किए हैं, उसमें से 50 में से 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई, बाकी 10,000 जो है वो अंडरराइटिंग यानी अंडरराइटर ने ले लिए शेयर्स यानी बैंक ने। तो हमने 40,000 से फर्स्ट एंट्री पास की, 40,000 मल्टीप्लाई 10, 4 लाख रुपीस से फर्स्ट एंट्री पास की, देन 4 लाख रुपीस से ही सेकंड एंट्री पास की, और इसलिए कि जब ऑफर रिसीव ही 40 हुए हैं 40,000 शेयर्स, तो 40,000 को अलॉटमेंट होगी, 50 को तो हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो 40,000 मल्टीप्लाई 10, 4 लाख से फर्स्ट एंट्री, फिर 4 लाख से सेकंड एंट्री, और जो 10,000 शेयर्स कम आए वो अंडरराइटर ने ले लिए, अंडरराइटर मींस बैंक ने ले लिए, तो एंट्री पास हुई 95,000 से बैंक डेबिट, अंडरराइटर कमीशन 5,000, और ये हो गया आपका शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस। तो ये केस तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर टू देखते हैं क्या लिखी हुई है। ट्रांजेक्शन नंबर टू लिखी हुआ हमारे पास, परचेज मशीनरी एंड इशू 5,000 शेयर्स एट रुपीज 9 ईच। मशीन परचेज की है और उसके अगेंस्ट 5,000 शेयर्स दे दी 9 ईच, तो मशीन के अमाउंट हमें नहीं दी, बस ये बोला है कि मशीन परचेज किए और 5,000 शेयर्स दे दी 9 ईच। तो हमने क्या किया, 5,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास अमाउंट आई 45,000। तो मशीन आपने 45,000 की परचेस की और उसके अगेंस्ट आपने शेयर्स इशू कर दिए 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ये जो कैपिटल है ये हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, पार वैल्यू में जो उसकी फेस वैल्यू, पार वैल्यू फेस वैल्यू जो कि इस वक्त 10 रुपीज है, आपने 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 50,000, और आपके पास जो मशीन की वैल्यू आई है वो है 45,000। मींस मशीन आपने 45,000 की परचेज की है मगर उसके अगेंस्ट शेयर्स आपने 50,000 के इशू किए, तो 5,000 का आपको डिस्काउंट हो गया।
ठीक है, जैसा कहने की आपने मशीन 45 की और पेमेंट आपने 50,000 की कर दी, तो 5,000 आपको डिस्काउंट मिले, इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन शेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास नंबर थर्ड, इश्यू 10,000 शेयर्स एट पार इन सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल ऑफ रुपीज 1,25,000। 1,25,000 के हमारे पास बॉन्ड थे, उसके अगेंस्ट आपने कितने शेयर इशू कर दिए, 10,000 शेयर्स 10 ईच इशू किए, ठीक है, तो बॉन्ड्स पेबल हमारे पास 1,25,000 के थे, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, डेबिट हो गई यहाँ पर, और इसके अगेंस्ट आपने 10,000 10 ईच, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,00,000 रुपीज के शेयर इशू कर दिए, 1,25,000 से 1,00,000 माइनस किया तो आपको 25,000 का हो गया प्रीमियम इसका, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फोर देखते हैं, इधर एक्वायर्ड अ पीस ऑफ लैंड 7,50,000 बाय इशूइंग शेयर्स 12 ईच, आपने 7,50,000 की बिल्डिंग यानी सॉरी लैंड परचेस किए और उसके अगेंस्ट आपने 12 रुपीज के शेयर इशू कर दिए, यानी 7,50,000 रुपए की आपने लैंड परचेस किए और 12 वाले शेयर दे दिए। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है कि नंबर अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला, यह है अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, तो अमाउंट को मार्केट प्राइस से डिवाइड किए, नंबर ऑफ शेयर आ गए 62,500, यहाँ पे हमने 62,500 को पार वैल्यू से, जैसे अभी आपको बताया कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, हमने 62,500 को 10 से मल्टीप्लाई किया यानी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आई 6,25,000, 7,50,000 से 6,25,000 माइनस किए, आपके पास प्रीमियम आया 1,25,000 रुपीज, ठीक है, तो ये हमारे पास आई है लैंड की वैल्यू, हमारे पास आ गई, ये टोटल एंट्री कंप्लीट हो गई। तो ये चीज आप क्लियर कर लें कि जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल ना हो तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फार्मूला है अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू ना हो तो पार वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ये हो गए फोर, अब आगे नंबर फिफ्थ है, पेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 25,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जिसको हम फॉर्मेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है, वो ये वो एक्सपेंडिचर है, बेसिक एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, तो वो पे हो गए बैंक के थ्रू, आपने पे कर दिए, तो जिस तरह आप रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट करते हैं, अगर बैंक के थ्रू तो रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट की एंट्री पास कर देंगे। इशू 3,000 10% डिबेंचर एट 105, आपने 3,000 डिबेंचर इशू किए 100 वाले 105 में, यानी 100 वाले डिबेंचर 105 में इशू कर दिया, ठीक है, तो 5 रुपीस प्रीमियम आएगा, तो इधर लिखा हुआ है हमने 3,000 मल्टीप्लाई बाय 105 3,15,000 बैंक डेबिट हो गया 3,15,000 डिबेंचर इशू किए आपने 3,000 105 वाले, ठीक है, और डिबेंचर पेएबल जिस तरह शेयर कैपिटल पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, बिल्कुल इसी तरह डिबेंचर पेएबल भी पार वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, यानी 10 रुपीस से, तो सॉरी इसकी पार वैल्यू 100 होती है, तो 3,000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया ये आगे 3,00,000 रुपीज, 3,15,000 से 3,00,000 माइनस किए ये आगे 15,000 का प्रीमियम, ठीक है, तो ये आपने एंट्री पास कर दी, क्या किए 3,000 आपने शेयर्स सॉरी डिबेंचर इशू किए 3,000 डिबेंचर 100 वाले 105 रुपए वाले, ठीक है, 105 रुपए यानी 100 वाले 105 में, तो 5 रुपीज का प्रीमियम आए। लास्ट एंट्री देखते हैं, रिसीव 1,96,000 ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर 100 ईच एट 98, ठीक है, तो और फिर आगे पढ़ते हैं इसको, रीपेबल एट 103 आफ्टर 5 इयर्स, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, नंबर ऑफ डिबेंचर इधर भी नहीं बताया, बस ये बोला है कि डिबेंचर इशू किए कंपनी ने और 1,96,000 रुपीस आ गए उसके अगेंस्ट, जो कि 98 रुपीस के इशू किए, 100 वाले 98 में इशू किए, यानी कंपनी ने नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं मालूम, अमाउंट बताई गई है कि 1,95,000 रुपीस के डिबेंचर इशू किए 100 वाले 98 में, लेकिन जब डिबेंचर की हमें वैल्यू नहीं मालूम, सॉरी नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं मालूम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे, बिल्कुल इसी तरह हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फार्मूला है अमाउंट डिवाइडेड बाय उसकी जो भी पार वैल्यू या मार्केट वैल्यू उसमें दी थी, ठीक है, इसमें 98 दिया हुआ है कि 98 पे इशू किए थे हमने डिबेंचर, 100 वाले 98 पे इशू किए, तो 1,96,000 डिवाइडेड बाय 98, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए 2,000 डिबेंचर इशू किए उसने 100 वाले 98 में, तो हमने क्या किया 2,000 को 100 से, डिबेंचर पेबल हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2,00,000 रुपीस आ गया,
फिर 2000 को मल्टीप्लाई किया हमने 98 से, लिख देते हैं यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई 98, जब 98 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आई बल्ले 96,000 और इसमें 4000 का यहाँ पर आ गया डिबेंचर, सॉरी डिस्काउंट आ गया यहाँ, ठीक है 4000 का यहाँ पे डिस्काउंट है। अभी 10 कैसा है समझाते हैं आपको, 4000 का डिस्काउंट आ गया, ये एंट्री यहाँ तक कंप्लीट होगी, बैंक डेबिट डिस्काउंट और डिबेंचर डेबिट 196 और 4 2 लाख और डिबेंचर पेबल 2 लाख, यहाँ तक क्लियर होगी। ये जो नेक्स्ट अमाउंट है और उसको फिर उसमें प्लस करके देखते हैं क्या होगा, बोले जब मैं वापस लूंगा, जब डिबेंचर वापस होंगे रिडीम होंगे रीपेबल होंगे तो मैं आपको 103 यानी 100 प्लस अमाउंट लेते हैं रिपेबल में, जो रीपेबल की अमाउंट होती है उसमें लिखा है 103, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस वाली वैल्यू लेंगे, यानी 100 से ऊपर कितनी अमाउंट आ रही है 3, तो नंबर ऑफ डिबेंचर को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 6000 हमारा ये आ गया, एक एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट और डिबेंचर डेबिट तो 6 यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, 6 और 4 ये 10 हो जाएंगे इस तरह, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट 6000 तो ये डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, ठीक है। इस एंट्री को एक एक मिनट और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस एंट्री को और क्लियर करने का तरीका, ये जो डिबेंचर की एंट्री है इसको और देखिए आप, डिबेंचर की एंट्री पास करने के आप इस तरह करें, इसके टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट में होती है बैंक डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट, सॉरी डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट और डिबेंचर पेबल क्रेडिट, ठीक है, और इसके साथ एक और होती है, इसको प्लस कर ले समझे, इसके साथ एक और होती है एंट्री डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट, ठीक है, रिडेम्पशन का मतलब होता है रिडीम करना, वापस कर लेना, पे करना, रिपेबल, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमने ये एंट्री पास की है, ठीक है, असल में एंट्री ये दोनों होती है मगर हम अलग अलग एंट्री पास ही करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं तो प्लस करके ये एंट्री पास होगी। इसके अमाउंट क्या आ रही है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया मतलब 96,000 आ रही थी यहाँ पर, ये 4000 थी, ये 2 लाख थी, ये 10,000 थी, सॉरी ये 6000 थी और ये 6000, कंपनी ने 2000 डिबेंचर इशू किए 98 वाले, तो 2000 को 98 से मल्टीप्लाई के 1,96,000 अमाउंट आ गई, ठीक है 1,96,000, और मैं आपसे 2000 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 100 से हमेशा पार वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, डिबेंचर पे भी 100 से जाएगा, तो 2000 को 100 से मल्टीप्लाई किया यानी 2 लाख, ये 2 लाख और ये 1,96,000, ये जो डिफरेंस आया ये आ गया 4000 रुपीस, ठीक, ये 4000 रुपीस ये इक्वल होगी, ठीक है, बोले रीपेबल, जब शेयर्स वापस लूंगा तो मैं आपको 3 रुपीस ज्यादा दूंगा, तो 3 रुपीस का मतलब हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पर कितने हैं 2000, तो 2000 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 6000 से ये एंट्री पास की, तो हमने इन दोनों एंट्री को प्लस करके ये एंट्री पास कर दी, बैंक डेबिट 196, 6 और 4 से डिस्काउंट और डिबेंचर डेबिट और डिबेंचर पेबल 2 लाख और प्रीमियम और रिडेम्पशन 6000 और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो क्वेश्चन था ये 5 ईयर में हमें दिया हुआ था, एडवांस अकाउंटिंग इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो कि हमने कंप्लीट किया, इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको पहले से ही शेयर कर चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ, आपको सेंड कर चुका हूँ, आपने वीडियो देख ली होगी, ये उसके बाद एक हमने ए सॉल्व किया है, इस तरह मजीद जो भी क्वेश्चन हमने आपको सेंड किए हैं या शेयर किए हैं आपके साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 5 ईयर से सॉल्व करते रहेंगे, और बाकी ये कि आप भी प्रैक्टिस करें और जो आपको चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।